प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। माँ देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। माँ देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी। आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रे गुसोरेट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। ये सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु को। हम भजन संहिता 32 उसका 8वां कलम पढ़े, साम्स 32:8, भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्यारो, पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष प्रभु दे। पिछले दिनों में हम भजन संहिता 32 से कई विचारों को हमारे अध्ययन में हम लाया। सबसे पहली बात, ये दुनिया में सबसे अधिक धन्य व्यक्ति वो जो है जिनका पापों की क्षमा प्रभु ने किया और अपराधों को ढांपा गया और यहोवा अपने पापों को गिनती में नहीं लेते हैं। और ये धन्य अवस्था हम पाने के लिए हम हमारे पापों को प्रभु के सामने प्रकट करना या कबूल करना है। और हमने वो भी देखा है जिन व्यक्ति के जीवन में प्रभु पापों की क्षमा देते हैं वो परमेश्वर से धन्य अवस्था में आते हैं। इतना नहीं है, परमेश्वर उनकी रक्षा स्थान है, उनकी छिपने का स्थान है। और संकट के दिनों में जब वो भयंकर प्रतिकूल वातावरण जब उठते हैं वो उनके पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको रक्षा करेगा। और धन्यवाद की स्तोत्रों से स्तुतियों से उसको पूरी तरह घेर लेंगे। प्यारो, आभार स्तुति करने की अवसर प्रभु ऐसे लोगों के जीवन में देते हैं। और आज हम ये देखा है कि जो प्रभु के भरोसे में आ रहे हैं उस धन्य अवस्था में, जो उधार पाते हुए अवस्था में और जिनके पापों को, उल्लंघन को, अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया, ऐसे लोगों के जीवन में एक और आशीष है। उनके ऊपर प्रभु अपने दृष्टि रखेंगे। और मैसा पढ़ते हैं, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा। कितनी धन्य बात है प्यारो, हमारा प्रभु हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। मूल भाषा में मैं आंख लगाकर उसको चलाऊंगा, ऐसा है। हम जानते हैं हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है। हम पुराने नियम में
व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में, सॉरी 11 अध्याय बारहवीं कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, वैसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा का दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आप देख सकते हैं इसराइल के लिए एक बड़ी आशीष है, एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। प्रभु कहते हैं मेरा आंख तेरे राज्यों के ऊपर वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर रहता है। और भजन संहिता 32 में 32 में हम पढ़ते हैं कि मेरा कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगाकर मैं तुमको सम्मति कराऊंगा और तुमको चलाऊंगा। और कितना धन्य अवस्था है प्यारो, परमेश्वर हमको दृष्टि रखकर चलाते हैं। हम नया नियम में एक जगह हमेशा पढ़ते हैं, हमारा प्रभु 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, उसके बाद अपने शिष्यों को नाव से बिठा कर उनको अपने अलग पार पर भेजा और उनको भेजने के समय प्रभु ने उनको ऐसा विदा किया कि वो प्रार्थना के लिए चला गया। हम मरकोस के सुसमाचार अध्याय 6 उसका 46 कलम में ऐसे पढ़ते, उन्हें विदा करके वह बड़ा पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा प्रभु अपने शिष्यों को उस पार जाने के लिए नाव में बिठा कर फिर प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने को गया। हम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं 47 कलम में, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। 48 कलम, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गया क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। प्यारो, कितना धन्य प्रभु है हमारा प्रभु, हमारे खेते खेते अवस्था, हमारी दुखी अवस्था, हमारी समस्या की अवस्था अच्छी तरह देखते हैं। अभी भी हमारा प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए विनती करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारी बलहीन अवस्था को देखकर, हमारी सामने जो समस्या है, जो विपत्ति है, जो शत्रुता है, जो भयानक पीड़ा है, हमारा प्रभु देखते प्यारो, हमारा प्रभु देखते हैं हमारे ओर। इतना नहीं, चौथे पहर में समुद्र की ओर चलकर हमारा प्रभु उस नाव के पास आए और नाव में प्रवेश करके अपने शिष्यों को बचाया और लहर बहुत भयानक रीति से उठा और अपने शिष्यों ने बहुत घबराया गया। उनकी घबराहट अवस्था में प्रभु देखकर उनके ऊपर तरस खाकर उनके पास आया। कितना प्रेमी प्रभु है। हम हमारे पढ़े हुए भागों को वापस आकर एक और बार पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 कलम 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कितने धन्य प्रभु है हमारा प्रभु, मैं तुझको बुद्धि दूंगा। हमारा प्रभु हमको बुद्धि और ज्ञान और विवेक देते हैं। और प्यारो, ये कैसा हमको मिलेगा, ये हम सोचने की बहुत आवश्यकता है। एक विश्वासी किस प्रकार बुद्धि पा सकते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु दिया हुआ पवित्र वचन पढ़कर हम उसमें से परमेश्वर की इच्छा को हम ढूँढेगा, उस तरह हमको चलने की मार्ग पता चलेगा। परमेश्वर का वचन की अध्ययन से प्रभु हमको अगुवाई करेंगे। और इतना नहीं, हम हमारी दृष्टि परमेश्वर के ओर लगाकर उसके ओर प्रार्थना करके हमारे दृष्टि हमारे परमेश्वर के चेहरे पे
उसके दृष्टि पर लगा रहते हैं, उनको प्रभु सम्मति दिया करूँगा, मार्ग दिखाएगा और उनको किस मार्ग पर जाना है वो दिखाई देगा। प्यारो, ये दो कार्य है हमारे जीवन में हम सीखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति के जीवन में मसीह का उद्धारकर्ता बन गया तो उनके जीवन में दो कार्य है, एक है परमेश्वर की वचन की अध्ययन, इनसे उनकी मार्ग उनको मिल सकते हैं, उनकी रास्ता उनको पता चलते हैं, आगे अगुवाई किस प्रकार होना है और किस प्रकार चलना है, किस प्रकार एक कार्य पर निर्णय लेना है, किस मार्ग पर चलना है, प्रभु के वचन से हमको पता चलेगा। परमेश्वर के वचन हमको खुलासा करेगा और हमारी समस्या को और समस्या की निवारण प्रभु देंगे और प्रार्थना के द्वारा हमारे प्रभु के नज़र के ओर हम देख कर रहेगा तो प्रभु हमको अगुवाई करके सही मार्ग पर उसके कृपा दृष्टि से हमको चलाएंगा। उसका कृपा दृष्टि, उसका करुणा की दृष्टि, दया की दृष्टि हमारे ऊपर रखकर हमको चलाएंगा। कितना धन्य अवस्था है प्यारो, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से, पापों की क्षमा मिलने से, उद्धार पाने से मिलते हुए एक धन्य अवस्था है। परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में होंगे, परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के वचन हमको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमको अगुवाई करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।